एक बार फिर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद पाकिस्तान को 440 वोल्ट का करंट लगा है। रिपोर्ट देखिए। कहना चाहता हूं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छू। किसी के जहन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले। इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमीले पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, दो दिन रुक जाते पूरा पाक ऑक्युपाई कश्मीर तिरंगे पे तले आ जाता। मर्तबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पे ये जंग तोपी जाएगी, हम 300 मर्तबा लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी को कहते हैं तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। हर जंग में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान जंग की बात कर रहा है, वो भी पीओके की धरती से। पीओके पर गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़ से पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ को 440 वोल्ट का करंट लगा है। भारत की संसद में पीओके का जिक्र क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमीले पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। तखलीक पाकिस्तान हो चुका है, तखलीक पाकिस्तान हुआ हुआ है, 7 दिहाइयां उसको गुजरी हुई हैं, तकमील पाकिस्तान होने जा रहा है। धोथा चना बाजे खाना, यानी असमर्थ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है। पीओके पहुंचकर अनवारुल हक काकड़ ने भी वही काम किया है। संसद से गृह मंत्री ने जो मैसेज दिया है उसे पाकिस्तान ने पढ़ लिया है। पीओके की सीटों का रिजर्वेशन पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए फ्रस्ट्रेशन बन गया है। जैसे गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान के पीएम अनवारुल हक काकड़ भागे भागे पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंच गए। यहाँ पीओके में लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पेशल सेशन के नाम पर 8-8 आंसू बहाने लगे। सबको ये यकीन दिलाता चलूं, मैं आज हाजिर यही हुआ हूँ और इसी वजह से हुआ हूँ। पाकिस्तान की चाहे फौजी क़यादत है, पाकिस्तान की चाहे सियासी क़यादत है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया है, कोई भी ऐसा फर्द जिसका असर पॉलिसी मेकिंग में है, उसके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं। चूहे की जाया बिल ही खोदता है। कश्मीर को लेकर जो काम जिन्ना ने किया, जो काम पाकिस्तान के सभी वजीर आजमों ने किया, वही काम अब अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। काकड़ ने भी फिर वही फर्जी राग अलापा है जो पाकिस्तान बरसों से कहता आ रहा है। पाकिस्तान वकील है, लेकिन इस मुकदमे में उसको अपने आबाओ अजदाद के हिस्से में जो जायदाद आई है उसका मुकदमा लड़ रहा है। ये मेरी अपनी जमीन का मुकदमा है, ये मेरे अपने लोगों का मुकदमा है। अनवारुल हक काकड़ के इस खींच से साफ हो गया है कि भारत की संसद में पीओके को लेकर जो बुलंद आवाज उठी, उसकी गूंज एलओसी के उस पार पाकिस्तान में सुनाई दी। ना सिर्फ सुनाई दी बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद हराम हो गई। तिल मिलाए पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ पीओके को लेकर दावा करने मुजफ्फराबाद पहुंच गए। किसी के जहन में किसी किस्म का कोई खदशा अगर है तो वो दूर कर ले, वो कश्मीर में भी दूर कर ले, वो पाकिस्तान में भी दूर कर ले, और वो श्रीनगर और बारामूला में भी दूर कर ले। सुना आपने, इसे ही कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। झूठा एक बात पर स्थिर नहीं रहता। कश्मीर को लेकर यही हाल पाकिस्तान का है।
पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर का नाम देता है, वो ना तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और ना ही कभी होगा। पाकिस्तान कश्मीर घाटी के जिस हिस्से पर अवैध कब्जा करके बैठा है, उस पर हिंदुस्तान की सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है। देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की टाट उलट चुकी है। पीओके के लोगों को पता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान आवाम को आतंक के जख्मों के सिवा और कुछ नहीं दे सकते। आम लोगों का पेट भरना पाकिस्तानी सरकार के बूते की बात नहीं, लेकिन सपना पूरे कश्मीर का देखता है। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छुपा। ये किसी से छिपा नहीं है कि पीओके में पाकिस्तान अपनी जबरिया हुकूमत चलाता है। 75 साल से पाकिस्तान पीओके पर कुंडली मारकर बैठा है, लेकिन अब उसको खौफ सता रहा है, पीओके के हाथ से जाने का खौफ। वजह है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे पीओके को लेकर मोदी सरकार के सख्त तेवर। पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम अनवारुल हक के पीओके पहुंचने के पीछे पाकिस्तान की घबराहट भी साफ नजर आ रही है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दो टूक कहा था कि पीओके हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। इसे सुनकर पाकिस्तान का कलेजा काम किया, डर सता रहा है कि कहीं पीओके भी उसके हाथों से ना चला जाए। दरअसल अनुच्छेद 370 के हटने के बाद घाटी में आतंक फैलाने के पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरता जा रहा है। आतंकी घटनाएं लगातार कम होती जा रही हैं और पत्थरबाजी का तो जैसे अंत ही हो गया है। ऊपर से रही सही कसर मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल ने पूरा कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थी, नए बदलावों के बाद सीटें बढ़कर 114 हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में पहले जम्मू की 37 सीटें थी, जम्मू की सीटें बढ़कर अब 43 हो गई हैं। वहीं विधानसभा में कश्मीर से 46 सीटें थी, जो बढ़कर अब 47 हो गई हैं। पीओके की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है। पाकिस्तान में लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक अमित शाह के पीओके वाले बयान को सुना गया है। पाकिस्तान की आवाम में मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर पर लिए संकल्प की चर्चा हो रही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो गारंटी दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि धारा 370 को हटाने का फैसला पूरी तरह संवैधानिक है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। सवाल है कि क्या भारत पीओके को वापस हासिल करने की तैयारी कर रहा है? भारत की संसद में अमित शाह के एक से बढ़कर एक विस्फोटक बयानों के क्या मायने हैं? गृहमंत्री अमित शाह की पीठ थपथपाते नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर 5 अगस्त 2019 की है। मोदी के विरोधियों ने कहा कि मोदी ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, कश्मीर की सियासत का पूरा नक्शा बदल दिया है। सवाल है, क्या ऐसा करने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग कश्मीर के हालिया भूगोल को बदलने की है? क्या पीओके को पूरी तरह से भारत में मिलाकर इतिहास में हुई भूल को सुधारने की है? नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। और रूस यूक्रेन जंग को 650 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। यूक्रेन को जिताने के लिए अमेरिका और नाटो पूरा जोर लगा चुका है, लेकिन पुतिन के रूस को हरा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि अब तक की ये जंग में रूस के 90% के करीब सैनिक मारे गए हैं, जबकि आधे टैंक रूस के तबाह हो चुके हैं। आखिर अमेरिका का ये दाव किस दम पर हो रहा है? देखिए रिपोर्ट।
मारे गए 90% सैनिक 600 दिन बाद पुतिन की हार। 24 फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 660 से ज्यादा दिनों से चल रहा युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां रूस खूनी मौत मरना शुरू हो चुका है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे रूस के 90% सैनिक मारे जा चुके हैं। हम आपको आज अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो के सभी देशों की सैन्य ताकत को यूक्रेन में तबाह कर डाला है। रूस के आधे टैंक तबाह, खुफिया रिपोर्ट का दावा। 24 फरवरी 2024 को रूस यूक्रेन जंग को पूरे 2 साल हो जाएंगे, लेकिन सवाल उठता है कि अभी तक 600 दिन की जंग में पुतिन की जीत और यूक्रेन की हार पर क्या दावे किए जा रहे हैं। अगर रूस के दावों को माने तो पुतिन का रूस यूक्रेन के 35-40% इलाके जीत चुका है, लेकिन अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो खुफिया जानकारी के आधार पर दावा किया है वो हैरान करने वाला है। जरा देखिए कैसे पुतिन के हारने के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 600 से ज्यादा दिन की जंग में रूस के 90% के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं। यहां तक कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जिस तरह से व्यापक टैंक युद्ध शुरू किया था उसे भी यूक्रेन सेना ने नाटो और अमेरिका से मिली एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए तबाह कर डाला है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन ने 600 दिन से ज्यादा की जंग में रूस के आधे टैंक तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के इस खुफिया रिपोर्ट को रूसी जनरल और कमांडर बकवास बता रहे हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेनी सैनिकों की बड़ी जीत बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर रूस के 90% के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं तो फिर यूक्रेन अपने इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़ा क्यों नहीं पा रहा है। पश्चिमी देश भले ही रूस को भारी नुकसान के दावे करें, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूक्रेन में चल रहा रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक रूसी सेना का मिशन पूरा नहीं हो जाता। И тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали, теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации. Хоф мне, юкрейний генерал. Русские 7 гуна хамле шуру. अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिका क्यों भाग रहे हैं, क्यों बाइडेन के सामने बार बार हथियारों की लिस्ट रख रहे हैं। ऐसा क्या है कि बाइडेन का अमेरिका और नाटो देश मिलकर भी रूस को अब तक जंग में नहीं हरा पाए हैं। हम आपको यूक्रेनी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सेरही नएव की वो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें यूक्रेनी जनरल ने साफ माना है कि रूस के हमले कम होने की बजाय बेहद तेज हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेरही नएव ने रूस के हमलों पर बड़ा दावा किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सेरही नएव का साफ कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में 7 बार यूक्रेनी क्षेत्र में रूसी सेना घुस चुकी है और बेतहाशा हमले कर रही है। अब सवाल उठता है कि अगर 90% के करीब रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं तो फिर रूस इतने भीषण हमले कैसे कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सेरही नएव ने यह भी दावा किया है कि रूस के 7 हमलों में से 5 हमलों को यूक्रेनी सेना ने नाकाम कर दिया है। अगर यूक्रेनी जनरल के बयान को सही माने तो फिर वो ये बताएं कि 7 में से 2 बार रूसी सेना के हमले सफल कैसे हुए। Результаты для Украины, для всей Европы. Еще один крок до своего полноправного членства Украины в ЕС. Я дякую всем, кто підтримав, виконав саме те, що ми домовлялись. Дякую всім в Україні, нашій команді.
मारे गए 90% सैनिक 600 दिन बाद पुतिन की हार। 4,10,00,000 आबादी वाला यूक्रेन 600 से ज्यादा दिनों से रूस का मुकाबला कर रहा है, लेकिन लगता है कि यूक्रेन अब जीत के दोबारा से झूठे दावे करने लगा है, क्योंकि रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन के साथ साथ नेटो तक खौफ में आ चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए अपनी घातक फौजों के सबसे बेहतरीन 2,00,000 लड़ाके सरहद पर भेजना शुरू कर दिए हैं। ऐसे हालातों को देखकर लग रहा है कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूसी सेना की तबाही के जो दावे किए हैं वो गले नहीं उतर रहे। भले ही अमेरिका की एजेंसियां दावा करें कि रूस के 90% के करीब सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं, लेकिन इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है। जरा देखिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से क्या आंकड़े जारी किए गए हैं। रूस के आधे टैंक तबाह, खुफिया रिपोर्ट का दावा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 21 महीनों से जंग जारी है। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपने आकलन में कहा है कि युद्ध में रूस अपने करीब 87% उन सैनिकों को खो चुका है जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरे थे। इसके अलावा रूस के 2/3 टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि व्लादिमीर पुतिन फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। फरवरी 2024 में जंग को शुरू हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे। पुतिन का साफ कहना है कि रूस किसी भी कीमत पर जंग से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि अमेरिकी जानकारों का यह भी मानना है कि इस जंग में यूक्रेन को कोई बढ़त मिलने वाली नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूस की तबाही के जो आंकड़े जारी किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। अमेरिकी अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में रूस के 3,60,000 सैनिक घुसे थे। इनमें से 3,15,000 सैनिकों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा रूस के 3,500 में से 2,200 टैंक भी बर्बाद हो चुके हैं। यही नहीं, रूसी सेना के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। अनुमान में कहा गया है कि रूस अपने 1/4 से ज्यादा हथियारों को खो चुका है। हालांकि अब तक इसे लेकर रूस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि व्लादिमीर पुतिन ने नए हथियार हासिल करने के लिए ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात की थी। तो कैसे डिमिलिटरिजेशन नो नहीं хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина почти ничего уже не производит. Ну, пытаются что-то там еще сохранить. Но почти ничего не производят. Все привозят, извините за моветон, ну, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, так и заканчивается. और जयपुर से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि सीएम भजन लाल शर्मा की अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। सीएमओ में मौजूद है प्रमुख सचिव कुलदीप प्राकार, टी रविकांत सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आज कुछ अधिकारियों की तबादले की सूची भी आ सकती है और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बता दें कि अधिकारियों की मीटिंग में मौजूद है प्रमुख सचिव कुलदीप प्राकार और टी रविकांत। कुछ अन्य अधिकारियों के तबादले की सूची आ सकती है, इसको लेकर सीएम अब आज सीएमओ ऑफिस में ही बता दें आपको कि अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है जिसमें कुलदीप प्राकार, टी रविकांत मौजूद है। कुछ देर के बाद डिस्कशन के बाद हो सकता है कि कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की भी सूचनाएं आप तक हम पहुंचाएं। लेकिन आप देखिए कि जब से कल से ही पदभार संभालते हुए के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जिस पर बीजेपी अग्रसर थी उसको लेकर उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए और एक्टिव मोड में आज ही नजर आ रहे। इस खबर पर रोशन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोशन, सीएम के साथ अधिकारियों की मीटिंग कितनी अहम हो जा रही है और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी इस वक्त जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं वो सीएमओ के अंदर मौजूद है। यहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के जो कार्यवाहक जो जो प्रमुख सचिव लगाए गए हैं टी रविकांत यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सीएम के जो सचिव है आनंदी यहाँ पर मौजूद हैं, जे एस सोम्या झा यहाँ पर मीटिंग के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ में
कुलदीप रांका को भी यहाँ पर बुलाया गया है, यानी जो चारों जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। संभवतः है जो आगे किस तरीके से जो सरकार के क्या कुछ कार्य योजना रहने वाली है, इस तरीके से कल सीएम मनोहरलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी कि चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, तमाम वो वादे, तमाम वो जो मुद्दे हैं वो पूरे होंगे। ऐसे में जो बड़ा प्रशासनिक जो फेरबदल है वो देखने को मिलता है। देखिए संभवतः जिस तरीके से कोई भी सीएम बने तो कोशिश रहती है कि उनके जो कॉन्फिडेंस वाले जो अधिकारी हैं उनका रिक्रूटमेंट हो, तो बिल्कुल उनके आसपास ही रहे तब काम करने में ज्यादा आसानी होती। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो सीएमओ में जो सचिव नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, उनके साथ मीटिंग चल रही है, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग की भी खबरें आ सकती है। इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। शुरू करो। साथ ही मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। गहलोत ने मंच पर आते ही वहां पर पहले से मौजूद भाजपा के नेताओं के पास जा जाकर मुलाकात की। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। लेकिन समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मंच पर कुर्सियों की पंक्ति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चेयर एक साथ लगी थी। पहले गहलोत बैठे थे, फिर शेखावत। इस दौरान न सिर्फ वे एक दूसरे से बात करते नजर आए बल्कि ठहाके लगाते हुए भी दिखे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में एक ही चर्चा हो रही है कि दोनों में आखिर बातचीत क्या हुई। बताते चले कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। वहीं इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल के बीच एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मौका था सीएम भजनलाल के पदभार का। सचिवालय में राजस्थान बीजेपी से लगभग हर चेहरा मौजूद था और सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद सभी नेता उन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उनके पास आती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पूरे सचिवालय में हंसी के ठहाके लगने लगे। एक बार आप भी इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। पूर्व सीएम के मजाकिया लहजे को देखकर आपकी भी हंसी छूट ही जाएगी। इसके पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के पदभार ग्रहण के दौरान भी कुछ नया देखने को मिला। सचिवालय में बैरवा ने विधिवत पूजा पाठ के साथ पदभार संभाला। इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद था। पदभार संभालने के बाद बैरवा को उनके परिवार ने गुड़ खिलाकर शुभ काम की शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के पराक्रम और शहीद सैनिकों की याद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर की समस्त शाखाओं ने प्रहार दिवस मनाया। यह दिवस भारतीय सेना की वीरता शौर्य को स्मरण करने तथा सैनिकों को नमन करने के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज का दिन संपूर्ण राष्ट्र विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 16 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसमें आज ही के दिन पाकिस्तान के जनरल नियाजी के द्वारा आत्मसमर्पण पत्र हमारे जनरल अरोड़ा के समक्ष रखा गया था। उस समय दुनिया का यह पहला किसी सेना का आत्मसमर्पण था
इस भारत भूमि के सामने जिसमें 93,000 दुश्मन देश के सैनिकों ने हमारे जानबाज सैनिकों के समक्ष समर्पण किया गया था, उस युद्ध में हमारे 3,000 से अधिक सैनिकों ने इस अपनी देश धरा मातृभूमि हिंदू भूमि इस पुण्य भूमि के लिए बलिदान दिया था। उन अमर शहीद बलिदानी सैनिकों के सम्मान में आज पूरे देश में प्रहार लगाए जा रहे हैं। उसी के निमित्त आज इस अजमेर महानगर की प्रत्येक शाखा में भी प्रहार लगाए गए हैं। भारत माता की। और राजस्थान को अपना 14वां मुख्यमंत्री मिल गया है और भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। इस दौरान सीएम के शपथ ग्रहण से लेकर पदभार ग्रहण तक कई रोचक तस्वीरें भी सामने आई। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने 55वें जन्मदिन पर 15 दिसंबर को शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज शामिल हुए। साथ ही मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। गहलोत ने मंच पर आते ही वहां पर पहले से मौजूद भाजपा के नेताओं के पास जाकर मुलाकात की। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। लेकिन समारोह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मंच पर कुर्सियों की पंक्ति में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चेयर एक साथ लगी थी। पहले गहलोत बैठे थे, फिर शेखावत। इस दौरान न सिर्फ वे एक दूसरे से बात करते नजर आए बल्कि ठहाके लगाते हुए भी दिखे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में एक ही चर्चा हो रही है कि दोनों में आखिर बातचीत क्या हुई। बताते चले कि गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। वहीं इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सीएम भजन लाल के बीच एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मौका था सीएम भजन लाल के पदभार का। सचिवालय में राजस्थान बीजेपी से लगभग हर चेहरा मौजूद था और सीएम के पदभार ग्रहण करने के बाद सभी नेता उन्हें मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे उनके पास आती हैं और उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे पूरे सचिवालय में हंसी के ठहाके लगने लगे। एक बार आप भी इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। पूर्व सीएम के मजाकिया लहजे को देखकर आपकी भी हंसी छूट ही जाएगी। इसके पहले डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पदभार ग्रहण के दौरान भी कुछ नया देखने को मिला। सचिवालय में बैरवा ने विधिवत पूजा पाठ के साथ पदभार संभाला। इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद था। पदभार संभालने के बाद बैरवा को उनके परिवार ने गुड़ खिलाकर शुभ काम की शुभकामनाएं दी। अब बात एक और रोचक तस्वीर की और बात बर्थडे बॉय यानी कि मुख्यमंत्री भजन लाल के जन्मदिन के जश्न की। पदभार संभालने के बाद सीएम सचिवालय से बाहर निकले जहां उनके साथ लोगों की भारी भीड़ मौजूद रही। दिग्गज बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में सीएम भजन लाल शर्मा ने केक काटा और अपने जन्मदिन के मौके पर मिले इस खास तोहफे और जनता के अपार प्यार का धन्यवाद दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 राजस्थान। और इन तमाम खबरों के साथ बिग ब्रेकिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।